दोस्तों आज हम बनाएंगे मसूर दाल से मसरंग। तो देखिए मसूर दाल को हमने आधा घंटा पहले भिगा दिया था और अब इसे हम पीसेंगे मिक्सर के जार में डाल के। इस रेसिपी को बोलते हैं मसरंग, जो कि उत्तर प्रदेश बरेली में बहुत ही मशहूर है। आप कभी भी बना के देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ देखिए दाल हमने पीस ली है सारी, इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो आधा घंटा पहले भिगाना है आपको दाल, उसके बाद इसको पीस लेना है। अब यहाँ देखिए लहसुन प्याज और हरी मिर्च, इसे हम पीसेंगे। तो उसी मिक्सर में हम इसे पीस लेते हैं। अब यहाँ जो दाल हमने पीसी थी उसमें हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ पे थोड़ी सी हींग इसमें ऐड करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्ज़ी आपकी बहुत ही बढ़िया बनेगी। आप कभी भी मेहमानों को खिलाइए या खुद भी खाइए, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ हमने देखिए कढ़ाई में लिया हुआ है तेल, सरसों का तेल मैंने लिया हुआ है, इसी में हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो तलने के लिए हम देखिए इस तरीके से थोड़े छोटे टुकड़े में इसको डालेंगे। दाल पीसते समय आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो बहुत पतली हो जाएगी। तो दो तीन बार में तलेंगे, लेकिन मैं आपको एक ही बार तल के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए हम इसको तल रहे हैं, पलट देते हैं इसे। मीडियम आंच पे तलना है, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ देखिए ये तल चुकी है, तो इसे निकाल लेते हैं बाहर। ऐसे ही हम बाकी भी तलेंगे, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए मैंने इतनी दिखा दी हैं, बाकी इसमें टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बाकी भी तल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक साथ। तो यहाँ देखिए हमने सारी की सारी तल ली हैं इसके पकौड़े। अब इसी तेल में, जो तेल हमने इसमें था, इसी तेल में हम ऐड करेंगे धनिया सूखा। धनिया के साथ साथ इसमें ऐड करना है जीरा, इसको खटकने देंगे। इसमें हींग ऐड कर देते हैं। अब इसमें जो पेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। और करीब 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें, जिस मसाले में जो हमने मिक्सर में पीसा था उसमें पानी डाल के इसमें हमने थोड़ा डाल दिया है। अब यहाँ टमाटर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा भून चुका है, तो इसमें हम डालेंगे हल्दी, और हल्दी के साथ साथ डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। गरम मसाला ऐड कर देते हैं, मैं पैकेट वाला गरम मसाला यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी 1 मिनट तक भून लेते हैं अच्छे से। तो करीब 1 मिनट तक हमने इसे भुना है, तो इसमें ग्रेवी के लिए पानी इस्तेमाल करेंगे हम।
ये सब्जी रसेदार बनती है। अब उबाल आने तक इसे पकाते हैं। तो यहाँ पे अब ऐड कर देंगे इसमें हम मशरंग यानी कि हमारे पकौड़े और इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार और हरा धनिया भी अभी ऐड कर देते हैं। तो इसे पकने देते हैं 2 मिनट तक। तो यहाँ देखिए मशरंग हमारी बनके तैयार है।